मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को नगर निगम सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में सफाई सुपरवाइजर को साथ एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के माध्यम से वार्डों की सफाई सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि सड़कों, गली मोहल्लों, नाले नालियों, कूड़ा निस्तारण के विशेष अभियान चलाए जाएँ। साथ ही साथ प्रतिबंधित पॉलिथीन, थर्माकोल, डिस्पोजल गिलास को सुनिश्चित किया जाए कि यह भी बाजार में ना बिके। इस अवसर पर बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त अवनींद कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित सभी वार्डों के सफाई सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इसके ऊपर साइकिल चलते हो आज हमारे सभी अधिकारी, नगर आयुक्त, अपर आयुक्त, सफाई अधिकारी हमारे मुकेश रस्तोगी जी और हमारे सभी सफाई सुपरवाइजरों के साथ एक बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश पर विशेष अभियान सफाई का चलाया जा रहा है। नालियों की सफाई होगी, सड़कों की होगी, कूड़ा निस्तारण होगा और साथ साथ ही प्लास्टिक, थर्मोकोल और डिस्पोजल ग्लास, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित सरकार ने किया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाज़ार में न बिके, जो कि गंदगी का कारण होता है। इसी संदर्भ में बैठक हुई, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और सफाई के बाद कूड़ा और मलबा सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संदर्भ में बैठक थी और इस पर अमल आज से शुरू कर दिया गया है।